नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर बैठे बैठे आप कैसे पैन कार्ड बनवा सकते हैं। आज के समय में किसी भी अहम काम के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में पैन कार्ड बनवाने वालों की होड़ भी काफी लंबी देखने को मिलती है। हालांकि अब पैन कार्ड की मांग और अनिवार्यता को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी अहम कदम उठाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत ही सरकार ने अब ऐसे कदम की शुरुआत की है जिससे आम नागरिकों को पैन कार्ड बनवाने में कोई परेशानी ना हो और आम नागरिक आसानी से पैन कार्ड बनवा सके। हाल ही में सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिससे मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर बगैर घर से बाहर निकले आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। ये कैसे होगा, ये जानने से पहले हम आपको आज के अपने इस वीडियो में ये बता दें कि पैन कार्ड होता क्या है। तो हम आपको बता दें कि पैन कार्ड 10 डिजिट का एक नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। इसके साथ ही आपको इस कार्ड की जरूरत 5 कामों में सबसे ज्यादा होती है, जिसके तहत अचल संपत्ति खरीदते समय, जिसके तहत अगर आप 5 लाख रुपए या इससे ज्यादा की कोई अचल संपत्ति खरीदते हैं तो इसके लिए आपको अपना पैन कार्ड देना जरूरी होता है। इनकम टैक्स विभाग ने भी अपने आधिकारिक वेबसाइट पर इसको लेकर जानकारी साझा कर दी है। इसके साथ ही आपको पैन कार्ड का इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड बनवाने के दौरान भी करना पड़ता है, जिसके तहत किसी भी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में भी 50,000 रुपए से अधिक की नकदी जमा करने पर पैन नंबर देना अनिवार्य है। क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड से आवेदन के लिए भी पैन कार्ड दिया जाता है, जिसके बाद होटल और रेस्टोरेंट में 25,000 रुपए से ऊपर के बिल के लिए भी पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा आपको पैन कार्ड का इस्तेमाल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए भी करना होगा। इसके तहत अगर आज आप अपना जीवन बीमा प्रीमियम जमा करते हैं तो यह रकम 50,000 से अधिक की है तो फिर ऐसे में आपको पैन नंबर देना अनिवार्य होता है। किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत होती है, खासकर उस मामले में जब आप कंपनी को शेयर के बदले पैसे देते हैं। इसके अलावा आपको TD या FD के लिए भी पैन कार्ड देना पड़ता है। इतना ही नहीं, आपको अब 50,000 से अधिक ट्रांजैक्शन के लिए भी पैन कार्ड काफी अहम होने वाला है, जिसके तहत अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड एक दूसरे से जरूर लिंक्ड हो। अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं होगा तो आप इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। आयकर विभाग की माने तो बैंक ड्राफ्ट की नकद खरीद पे ऑर्डर या फिर एक दिन में 50,000 रुपए या उससे ऊपर के बैंकर्स चेक के लिए भी पैन कार्ड देना होता है। अब आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे घर बैठे बैठे आसानी से अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इंस्टेंट पैन थ्रू आधार पर क्लिक करना होगा और फिर गेट न्यू पैन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, जिसके बाद आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भी आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। OTP डालने के बाद और वैलिडेशन के बाद आपको ई पैन जारी कर दिया जाएगा। ध्यान रहे, आवेदनकर्ता को PDF फॉर्मेट में पैन कार्ड की एक कॉपी मिलेगी जिस पर QR कोड लगा होगा। इस QR कोड में आवेदकों का डेमोग्राफिक डिटेल और फोटो भी जारी किया जाएगा। आवेदन करते समय में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 15 डिजिट का एक नंबर भेजा जाएगा। इसी नंबर से आप ई पैन डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसकी एक कॉपी आवेदन की ईमेल आईडी पर भी भेजी जाती है, लेकिन आधार से ईमेल आईडी रजिस्टर होना अनिवार्य है। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई पैन से जुड़े नियमों में बदलाव कर इसे सरल बनाया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि NSDL और UTITSL के जरिए भी पैन कार्ड जारी किया जाता है, लेकिन इन दोनों इकाइयों से पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको एक तय चार्ज देना होता है। इसके उलट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में आप पैन कार्ड बना सकते हैं। इंस्टेंट पैन फैसिलिटी के तहत आपको कोई विस्तृत फॉर्म नहीं भरना होता है, जरूरी जानकारी आपके आधार से ही जुटा ली जाती है। इसके साथ ही पैन कार्ड और आधार कार्ड स्वतः ही लिंक हो जाते हैं। लिंकिंग के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि इंस्टेंट पैन के लिए करीब 10 मिनट ही लगते हैं। अब तक कुल 6.7 लाख लोगों का इंस्टेंट पैन जनरेट किया जा चुका है। तो अब आप भी इस आसान से स्टेप्स को फॉलो करके बगैर पैसे खर्च किए आसानी से अपना पैन कार्ड घर बैठे बैठे बनवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।